और ये रहा, ये देखिए पहाड़ पे जा रहे हैं, कितने ऊंच आ चुके हैं आप देख सकते हैं। और ये सुविधा पहले नहीं था, और अभी मैं जब आया था बहुत पहले तो ये सुविधा नहीं था, अभी को ये सुविधा हुआ है और काफी मजा आ रहा है इस तरीके। क्या खाना है क्या लिफ्ट में? नीचे नहीं खाया जाएगा, चलो नीचे खाया जाएगा यार, बंद होने वाला है। तो दोस्तों फाइनली जो है राजगीर आ चुके हैं, जो ग्लास ब्रिज है उसके पास काफी नजदीक है आप देख सकते हो। तो चलिए आप सभी को जो है रूबरू दिखाते हैं और घुमाते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए आप सभी को पूरा वीडियो को दिखा, पूरा वीडियो देखिएगा तब अच्छे तरीके से देख पाइएगा ग्लास वाला शीशा को। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और आप तो वहाँ पे पूछता छो रहा है भाई, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन घूमने का टिकट का। यहाँ पे टिकट काउंटर है, ये देखिए टिकट काउंटर, यहाँ पे टिकट कटेगा। हो गया टिकट, एक आदमी से हो जाएगा ना। तो हम लोग का जो है सारा मेहनत पानी में चला गया, ग्लास ब्रिज का जो है नियम पता नहीं था और टिकट नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग नहीं घूम पाएंगे। और आप सबको अगर घूमना है तो मैं टाइमिंग बता दूं कि सुबह को 6 बजे यहाँ हाजिर हो जाना होगा टिकट लेने के लिए, तब जाके आप ग्लास क्या जाने का नहीं चाहते, हम सब घूम के जाएंगे। अच्छा 8 बजे यहाँ टिकट मिलना चालू हो जाता है, बट 6 बजे से लाइन लग जाता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग लाइन लग जाते हैं। यह आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा टिकट, ठीक है? क्या वेबसाइट क्या बताया है? naturewildlifesanctuary.in। पता नहीं भाई, हमको नहीं समझ में आया। तो आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा टिकट ग्लास ब्रिज का, नहीं तो यहाँ आना पड़ेगा 6 बजे, वो भी टाइमिंग स्लॉट है, जिस टाइमिंग सेलेक्ट करोगे उस टाइम में यहाँ आना पड़ेगा। तो मैं क्या बताऊँ, बाहर बाहर घूम लेता हूँ यहाँ पे, और फिर जो है बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे घूमने के लिए, तो दिखाएंगे। ग्लास ब्रिज नहीं घूम पाए उससे क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे दिखा दे, राजगीर लिखा हुआ है काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में, और यही जो है आपको गेट सब दिखा दिए, सब बैक कैमरा से दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर मुझे आना है। ग्लास जो ब्रिज है ना, और वहाँ बाहर का ये नज़ारा है, वहाँ फोटोशूट, दो दो कैमरा आया है DSLR देख लो भाई, और फोटोशूट पूरा चल रहा है। और ये गेट है, बहुत सारा गेट है इसमें, और काफ़ी इसमें घूमने का जगह है काफ़ी। और इसका टिकट पूरा का कितना टिकट था? 250 टिकट इसका है पूरा घूमने का अंदर, तो जाकर आप घूम सकते हो। तो आप सभी को जो है रियल बता दिए, क्योंकि हम तो नहीं घूम पाए, तो आप लोग भी अगर आओ तो मेरे जैसा घटना ना हो, इसलिए हम हर चीज़ बता दिए आप सभी को। तो चलिए मैं भी कुछ फ़ोटो शूट करवा दूँ भाई, बहुत सारे लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं, देखो जितने भी गए हुए हैं फ्रेंड्स सब लोग का फ़ोटो ही चाहिए। तो मैं भी ज़रा फ़ोटो शूट करवा लूँ, क्योंकि मुझे भी फ़ोटो का बहुत ज़्यादा भूख है। तो अभी जो है घोड़ा कटोरा हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, फोटो कर लिए हैं देख सकते हो। और अभी टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 4 बज चुका है, और देखते हैं क्या क्या घूमने को मिलता है वहाँ पे, क्या क्या देखने को मिलता है। वीडियो में बने रहिए, अच्छे तरीके से आपको दिखाएंगे, डिटेल्स में हर चीज़ दिखाने वाले हैं। तो चलिए अभी जो है चलते हैं। तो हम लोग घोड़ा कटोरा आ चुके हैं, पर बंदे पे 100 रुपया लगा है दोस्त,
और यहाँ पे बहुत चीज़ बताया गया और यहाँ पे मेरा पैसा नुकसान हो गया, कुछ नहीं है, ये सब घूमे हुए हैं, बात हकीकत है। अगर आप सबको मैं रियल रिव्यू कर दे रहा हूँ ये बैक कैमरे से, ओके, और आप सब देख लो, और ये इंजॉय करना हो तो आना। और ये चारों तरफ से जो है पहाड़ है, और ये गौतम बुद्ध का जो है पुतला है गौतम बुद्ध का, और बीच में वो टापू हुआ और ये वोटिंग हुआ, ठीक है, जो वोट आप करोगे, वोटिंग करोगे आधा घंटा के लिए, पर माइन पर सर जो है पर व्यक्ति इस पे 40 रुपया लगते हैं, ठीक है, और इस बोट पे आप सैर कर सकते हो, आधा घंटा घूम सकते हो, और दोनों तरफ जो है पहाड़ है, देख सकते हो यहाँ से वहाँ, और एक पार्क है हरी हरी, आप घूम सकते हो, टहल सकते हो, ओके। और ये वही जो रास्ता दिख रहा है वहाँ आप ऐसे ऐसे टहल सकते हो, यही पार्क है और कुछ नहीं, और ये जो है देख सकते हो दोनों तरफ पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पे वहाँ से 600 रुपया लगा है आने में, और यहाँ पर माइंड जो है 40 रुपये है और कुछ नहीं है। तो यहाँ से अब हम लोग वापस जाने वाले हैं और देखते हैं उसके बाद क्या क्या घूमने को मिलता है। यहाँ तो हम लोग वोटिंग नहीं किए हैं क्योंकि बहुत सारा वोटिंग हर जगह किए हुए हैं, तो मन नहीं कर रहा इतना धूप में वोटिंग करने के लिए, सर में ऐसा ही दर्द है। तो क्या वोटिंग करना है जी, हम लोग किसी को वोटिंग करना है नहीं करना है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ से रिटर्न। तो दोस्तों इस ब्लॉग पे आपको घूमने को मिलेगा लक्ष्मण झूला, नहीं काफ़ी पहाड़ पे ऊपर है, तो चलिए यहाँ घुमाते हैं और अच्छे तरीके से पूरा दिखाते हैं। शाम को 5 बज गया है और यहाँ लास्ट 5 बजे तक ही टिकट मिलता है, इसके बाद टिकट नहीं मिलता है, तो आप लोग यहाँ घूमना होगा तो 5 बजे के पहले पहले आना, ओके। तो चलिए बाइक कैमरे से आप सभी को दिखाते हैं और घुमाते हैं। इसका नाम क्या है? नहीं पोस्ट नहीं किया, बताइए ना इसका नाम, बेइज्जती करा दी मैंने, बता रहा हूँ। तो रोपवे है कुछ करके इसका नाम है, और लक्ष्मण झूला भी कोई बताया है लोग, तो चलिए चलने के बाद सब पता चल रहा है, और एक बार अंदर का नज़ारा पूरा चारों तरफ दिखा दूँ। जो यात्री टिकट लेकर इधर उधर घूम रहे हैं कृपया जल्द से जल्द प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश करेंगे जी। तो चलिए जल्द से जल्द चला जाए, लास्ट समय हो चुका है, बैक कैमरे से दिखाते हैं टोटल। ये मीना बाजार जैसा यहाँ पे मेला जैसा लगा हुआ है, और बैठने का भी यहाँ पे वेटिंग है, और चलते हैं ऊपर क्या क्या नज़ारा देखने को मिलता है। अभी तक तो यही मुझे अच्छा लगा है सबसे अभी तक यहाँ तक, और चलते हैं ऊपर क्या क्या अच्छा लगता है। कब पानी लिए? पानी लीजिए सबसे पहले। और ये अंदर जाने का रास्ता है वेटिंग रूम के अंदर, जो झूला है उसका टिकट कट चुका है। टिकट का कितना लगा है? एक आदमी का 100 रुपये पर टिकट है, यहाँ पे 100 रुपये पर टिकट है पर व्यक्ति, जितना लोग आएंगे उसका 600 रुपये टिकट लगेगा। तो चलिए चलते हैं अंदर और पूरा नज़ारा दिखाते हैं। वाह ये क्या है, ये क्या English. अरे भाई ये तो एक बार में एक ही बंदा जा सकता है, और पीछा हो जाए भाई, ये देखिए इधर को निकल जाना है, ये यहाँ से हम हेले और एक बार में एक ही व्यक्ति जाएगा ढूके और यहीं पे देखिए ये लोग यहाँ पे है, और यार जल्दी निकलो, और इधर से जाना है ऐसे घूमकर। हाँ अरे भाई कैसे कैसे जाना है बता देना, यहाँ भी कुछ प्रोसेस है सर जी, टिकट मिल गया। ये देखिए यहाँ पे कैसे बैठना है, और ये बैठ चुके हैं गोलू जी, और धीरे धीरे जा रहे हैं पहाड़ों पे। बैठो ना, अरे भाई आप बैठिए, हम नहीं बैठेंगे। भाई तीन लोग को बैठा कर बैठेंगे, अभी डर लग रहा है, ये आ गया, और ये रोशन जी बैठेंगे। ए महाराज फिर बैठेंगे कैसे, दिक्कत हो जाएगा हमको, वीडियो करना है तो कैसे होगा हो? बैठे, आप सिंगल है तो बैठे मारे जल्दी जाके। ये आ गया तो बैठने का एक्सपीरियंस हो चुका है देख देख कर, अब बैठते हैं, विनय जी बैठेंगे फिर हम बैठ जाते हैं। अरे यार ये पहाड़ पे अब चढ़ के जा रहे हैं, कितना दूर है मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को, काफी ज्यादा मजा आ रहा है,
बैक कैमरा से ज्यादा मजा आएगा देखने में, क्या छोटू? और ये रहा, ये देखिए पहाड़ पे जा रहे हैं, कितने ऊंच आ चुके हैं आप देख सकते हैं। और ये सुविधा पहले नहीं था, और अभी मैं जब आया था बहुत पहले तो ये सुविधा नहीं था, अभी को ये सुविधा हुआ है और काफ़ी मज़ा आ रहा है इस तरीके से जाने में। और एक तरफ से जाना और एक तरफ से आना लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, एक तरफ से लोग जा रहे हैं और एक तरफ से आ रहे हैं। और ये फर्स्ट बार जो है जा रहे हैं इस तरीके से, कैसा लग रहा है भैया? ऊपर अच्छा है ना घूमने के लिए? तो देखिए देखने को तो मिल रहा है ऊपर, अच्छा अच्छा चीज़ें हैं। तो चलिए चलते हैं, आप सभी को हल्का जूम करके दिखा दें ऊपर का नज़ारा टोटल। बहुत हाइट पे पहाड़ है और ये आप लोग पैदल जा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा रिक्स है, आगे खाल भी है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। देखते हैं इस तरीके से, आप लोग केयर कीजिएगा कितना हाइट पे हम लोग आ चुके हैं, हो सकता है कि दिखता होगा। और वाह, और उधर से पैदल भी जाने का रास्ता है, पैदल भी जा सकते हैं। देखिए वहाँ पर जूम करके दिखा दूँ, पैदल भी जाने का रास्ता है। कॉल आ गया, हाँ जी। और ये देखिए गाइस, यार कितना डर लग रहा है यार, ये देखिए, ठीक है, कितना डर लग रहा है। और ये लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं और काफ़ी नीचा खाई है ये देखो, ठीक है। और ये पहाड़ पे जा रहे हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर आप सब यहाँ आना चाहते हो तो ये सफ़र एक बार ज़रूर करना, ताकि आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और हाँ, जिसको हार्ट का पेशेंट होगा भाई वो आप देख सकते हो पहले ही ये नज़ारा, तो हम उनको इजाज़त नहीं देंगे हार्ट के पेशेंट वाले या बुज़ुर्ग लोग। सबका कि कैसा लगा ऊपर? बहुत अच्छा लगा, तो चलिए बहुत अच्छा लगा, बोलो ना तुम देख रही हो, देखो उधर से लोग आ रहे हैं। चेता ऊपर बहुत घूमने के लिए है ना जगह? बहुत मस्त है, तो बहुत मज़ा आया, आप लोग आइए एक बार एंजॉय कीजिए, बोलो ना तुम। तुम भी एंजॉय करो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ बात ऐसा है कि मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ ऑनलाइन ब्लॉग के माध्यम से, और अभी जो है मैं अपने वाइफ को भी दिखा रहा हूँ ऑनलाइन डायरेक्ट व्हाट्सएप से, ठीक है। तो ये देखो नज़ारा, लगभग आ चुके हैं। और दूर है क्या भाई? अभी और दूर है और आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जो है स्पेशल ब्लॉग बनाए हुए हैं। और ये पहले नहीं था ये सुविधा, अभी फ़िलहाल में हुआ है। और शीशा ब्लॉग तो शीशा जो है वो नहीं घूम पाए हैं, वो जो है देखते हैं। और ये देखो ये पहाड़, और कुछ उधर से खाली भी आ रहे हैं, तो चलिए इसी तरीके से जाना है ऊपर। आप सब तो देख लिए, तो ब्लॉग को मैं यहाँ पे हल्का स्टॉप करूँगा और फिर जो है ऊपर दिखाऊँगा, क्योंकि बैटरी भी हल्का डिस्टर्ब चल रहा है और नेट बोल रहे हैं, सॉरी। ये देखो हाइट, जीबी भी बहुत ज़्यादा फुल हो चुका है। और अभी जो है आ चुके हैं, लिफ्ट से उतर गए और जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या घूमने को मिलता है। विनय भैया, विनय भैया, अरे महाराज रुक जाइए, छोड़ के चल जाइएगा, हाँ बोलिए ना। आ चुके हैं फाइनली ऊपर और पूरा घुमाते हैं, टाइम भी खत्म हो चुका है, बोल रहा है जल्दी जाने के लिए, तो चलिए एक चक्कर पूरा घुमाते हैं आप सभी को। और ये देखिए कितना ऊपर आए हुए हैं यार, नीचे जो है कुछ भी दिख ही नहीं रहा है, कितना छोटा छोटा, मैं जूम करके दिखा दूँ, ये देखिए, ठीक है, नीचे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है।
और ऊपर क्या है दिखा दो दिखा दो, ये देखो भाई, ठीक है। और ये मंदिर है, और जो झूला से हम ऊपर आए हुए हैं लिफ्ट से, दरअसल ऊपर हम आए हुए हैं और यही चीज़ है, घूमने का जगह है। और काफ़ी एक राउंड मारते हैं, ऊपर राउंड मारे हैं, बोल भैया ऊपर एक बार राउंड मारे हैं, चलिए ना। और इधर मैं दिखा दूँ चारों तरफ क्या क्या है, बहुत स्मार्ट फोटो शूट चल रहा है भाई, मेरा एक भी फोटो भी नहीं खिंचाया है। हाँ भाई फोटो बैटरी डाउन, और वो अपने वाला, वाह काफ़ी यार, ये देखो पानी पी रहा है कितना प्यार से, बहुत अच्छा। और भाई साहब कितने पुण्य के काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा देखकर। क्या नाम है भाई आपका? विकास कुमार जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये देखिए वाह। ये देखो भाई झूला बंद होने वाला है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है परेशानी है, सब कोई जा रहा है, फिर भी घूमते हैं, लास्ट में जाने की कोशिश करेंगे पूरा दिखाने के बाद। और ये कोई चीज़ का गेट है भाई, ये देखते हैं, ये लग रहा है कि पैदल जो व्यक्ति आ रहे थे उसी के लिए है। तो लिफ्ट भी है, उसका टिकट कटा के आ सकते हो या पैदल आ सकते हो, पैदल के लिए रास्ता है, काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। पैदल भाई आने के लिए सोच रहे हो तो जो नौजवान है, जो हिम्मत है जिसके अंदर, वही आ सकता है, इतना हाइट पे है, तो आप पैदल भी आ सकते हो। और अगर नौजवान हो, पूरा यंग हो, तो आप पैदल आना काफ़ी ज़्यादा मज़ा लगेगा, सर चीज़ देखते हुए आओगे। और लिफ्ट में भी बहुत मज़ा है, लिफ्ट मज़े की चीज़ है और आरामदेह भी है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और यही नज़ारा है। आगे कुछ है क्या वहाँ सीढ़ी? खाली फ़ोटो शूट आप लोग करा रहे हैं, शूट हो गया तो फ्रेंड लोग से पूछते हैं कैसा लगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगा कि नहीं, लिफ्ट से जो हम लोग आए हैं झूले से, उसी वही झूला बेस्ट, तो जो हम लोग झूले से आए हैं वो लिफ्ट भी बोलते हैं। दो बेस्ट मोमेंट, एक ये रोपे और सेकंड वन इज वाटरफॉल्स, तो उसका आप लोग स्पेशल आएगा, उसका आप लोग देख लिए होंगे शायद से। अरे पगला धूप आएगा तो धूप पे तो चाहिए, काफी ज्यादा मजा आ रहा है यार सच में। और आप लोग बिजी हो ना लाइफ में, अगर वर्क करते हो टाइम नहीं मिलता है, तो एक बार कम से कम घूमने के लिए टाइम निकालो। लाइफ में हर इंसान जो है बिजी रहता है, तो घूमना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, इससे जो है जो प्रिपरेशन होता है, माइंड का जो भ्रास होता है, टेंशन होता है, वह सब दूर हो जाता है। तो आप लोग एक बार घूमें और इंजॉय करें लाइफ को, क्योंकि लाइफ एक बार ही मिलता है, और उसको भरपूर ज़िंदगी जीना चाहिए पूरा फुल इंजॉय के साथ, ताकि ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं रह जाए यार, ठीक है। तो चलिए पूरा घूमते हैं राउंड और दिखाते हैं आप सभी को। ये जब तक लोग फोटो शूट करवा रहे हैं, जब तक देखते हैं ऊपर क्या क्या है, चलते हैं ऊपर दिखाते हैं आप सभी को। ऊपर आ गए हैं, चारों तरफ गोल घूमना है, देखते हैं ऊपर क्या क्या है और क्या क्या देखने को मिल रहा है। और आ चुके हैं ऊपर से, जाने के लिए जगह है, तो शायद जूता उतार के जाना है, तो शूज़ तो भाई मैं नहीं उतारने वाला, ठीक है, मैं मोजा नहीं पहना हूँ। यहाँ से शायद मंदिर है, मैं मंदिर दिखा दूँ आप सभी को, ये देखिए वही ऊपर मंदिर है, तो आप पैर, ये खाली पैर वहाँ जाना है, ठीक है। और ये देखिए, तो एक बार पूरा फुल राउंड घूमते हैं, और वहाँ भी कोई मंदिर लग रहा है, तो उसको देखते हैं कौन सा मंदिर है, वो कौन सा निकलिए ना आप लोग, बंद हो निकल रहे भाई, अभी तो आए हैं जस्ट, एक बार घूम तो ले। पैदल आए हैं? नहीं पैदल नहीं है, लिफ्ट से हैं। लिफ्ट अलाउंस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो जस्ट अवे किया है, उतना नहीं सुनते हैं हम लोग, टाइम हुआ बंद होगा, ठीक है चलिए रहे। ए विनय जल्दी निकलिए, तो झूला भी बंद होने वाला है, सुन आप लोग सुने हो ना, बंद होने वाला है भाई, तो एक राउंड तो मारेंगे ही मारेंगे भाई, बंद हो तो पैदल जाएंगे, ठीक है। और ये मंदिर रहा, और इसी के चारों बीच जो है घूमने का जगह है, कहीं कहीं पहाड़ों पे जाने का, ये हर चीज़ दिखा दो। ये देखो इधर से आओगे तो इधर के एक रास्ता गया है, देख सकते हो, ठीक है, वहाँ भी कोई कुछ है घूमने उमने के लिए, इधर भी है, और ये सब जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बंद होने वाला है, अलाउंसमेंट हो चुका है, लिफ्ट बंद होने को है, तो लिफ्ट बंद होने को है, तो भाई जाना तो पड़ेगा, नहीं तो बंद होने हो जाने के बाद तो फिर पैदल भाई शकान नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन भर आज घूमे हुए हैं और थकान पहले से ही है। तो देखिए मेरा ग्रुप चल दिया है वहाँ से, ये देख सकते हो फोटो शूट अभी हो ही रहा है, और वो गार्ड जो है घूम घूम कर बोल रहा है लिफ्ट बंद हो रहा है, लिफ्ट बंद हो रहा है, क्या क्या जा रहा है, बस आ गए आ गए आ गए आ गए। तो भाई लिफ्ट बंद हो रहा है, जान रहे हैं, और
हर चीज़ आप सभी दिखा दिए, घुमा दिए। लिफ्ट से ऊपर आने के बाद क्या क्या घूमने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, तो आप सब देख लिए। और एक चीज़ नहीं दिखाए हुए हैं तो आप सभी को भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए लाइन शेर काफ़ी ज़्यादा पीक अच्छा है। और चलिए चलते हैं अब। तो फ्रेंड्स लोग जो है आगे जा चुके हैं, चलते हैं जल्दबाजी में। और आप सबको कभी आना है तो आ सकते हो, 5 बजे तक यहाँ टिकट मिलता है, ठीक है। और इधर से रिटर्न जाने का जो है 5:30 का टाइमिंग है, तो आप लोग 5 बजे से पहले आओगे तो ज़्यादा घूम पाओगे, पूरा फुल इंजॉय कर पाओगे। तो पहले आना, ये 5 बजे हम लोग आए हैं। और देखो घूमने को मात्र आधा घंटा ही मिला, तो आप लोग पहले आया करो, ठीक है। 5 बजे आओगे नहीं घूम पाओगे, तो इस पर आना है, भरपूर घूमना है। और पैदल आ रहे हैं तो कोई टाइमिंग नहीं है, ओके, क्योंकि ये जो लिफ्ट है जिसको हम लोग झूले के नाम से यहाँ प्रचलित है, वो बंद हो जाता है शायद से 5:30 में, ओके। तो चल रहे हैं रिटर्न। और कितना हाइट आए हुए हैं दिखाएंगे आप सभी को। क्या खाना है क्या लिफ्ट में? नीचे नहीं खाया जाएगा, चलो नीचे खाया जाएगा यार, बंद होने वाला है तो हरासमेंट हो रहा है बार बार। इधर चलते हैं। वाह ये देखो, चलिए फोटो शूट वाला करवा रहा है। अरे डर लग रहा है, मोबाइल लेके मत भाग जा। तो फिलहाल हम लोग डर चुके हैं, कहीं बंदर बहुत सारा है। तो कुछ खाने के लिए अगर सामान ला रहे हो तो भाई खिला देना आप लोग, और इतना तो बनता है। नहीं भाई टाइम ही नहीं है, देख लो लाउंज पे लाउंज हो रहा है नीचे जाने के लिए। लिफ्ट ये देखिए, यही लिफ्ट है, और ये झूला मानो या लिफ्ट मानो, और काफ़ी मज़ा आ रहा है इस पर। अब रिटर्न जा रहे हैं यहाँ से। तो अभी लिफ्ट में बैठ चुके हैं जो झूला है, और जा रहे हैं नीचे, दिखा रहे हैं कितना ऊपर आए हुए थे आप सभी को, ठीक है। और आना है होता है, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय आया भाई, मज़ा आ गया। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और स्पेशल हर चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ का कितना कोशिश करूँगा हर चीज़ दिखाने के लिए। और आप लोग कमेंट करना कि मैं क्या क्या चीज़ नहीं देख पाया फेमस, कि नेक्स्ट बार कभी अगर लाइफ में आऊँ तो उसे भी अटेंड कर लूँ, ओके। तो मैं दिखा रहा हूँ नीचे कितना हाइट है भाई, कितना हाइट ऊपर आया था। तो ये देखो, ये इधर से बिल्कुल अब खाली जा रहा है। अब खाली क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई 5 बजे इसका टाइमिंग है बंद हो जाने का, 5 बजे लास्ट टिकट मिलती है। और टिकट हम लोग लिए आए आप सभी के लिए, वीडियो बनाए, पूरा फुल इंजॉय नहीं ले सके, यानी कि पूरा घूम नहीं सकते मन भर जो रहने का। बाकी तो हर चीज़ घूमे, हर चीज़ देखे, और कुछ नहीं था वहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। और सबसे हाइट पहाड़ मुझे ही लग रहा है। और ये देखिएगा गाइस, ये कितना दूरी पे है, देखिए यहाँ हम दिखा रहे हैं, देखिए नीचे कितना छोटा छोटा लग रहा है, ठीक है। मैं जूम करके दिखा दूँ, ये देखिए, ठीक है, जूम करके दिखा रहा हूँ कितना छोटा छोटा ये लग रहा है, कितना हाइट, और कितना डेंजर डेंजर चीज़ आपको मिला है चढ़ते समय, आपने देखा होगा। और ये देखिए कैसा लग रहा है यार, और कोई बंदा दिख नहीं, वाह गाड़ी दिख रहा है भाई, वो देखो गाड़ी दिख रहा है कितना छोटा, वाह मैं जूम करके दिखाऊँ आप सभी को, दिख रहा है या नहीं भाई, वाह ये देखो गाड़ी, ठीक है। मैं आओ जूम आउट कर रहा हूँ, देखना कितना छोटा छोटा लग रहा है, वाह। ए यार इधर दिखाई नहीं दे रहा, अब जूम किया दिखाई दे रहा है, ये तो जूम आउट नहीं दिखाई दे रहा, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है छोटा छोटा। तो समझ सकते हो कितना हाइट पे हैं, और काफ़ी ख़तरनाक चीज़ देखने को भी मिला है, काफ़ी एक बाइक से खाल डेंजरस, ताकने पर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ से खारा बिल्कुल, ये देखो यहाँ से बिल्कुल खारा है यार, डाउन, ये एक बाइक से डाउन है, नहीं एक बाइक से डाउन है यहाँ पे, ये देखो मज़ा आ रहा है, डर भी उतना नहीं लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और वो शायद चढ़ने के लिए नहीं, वो कुछ पाइप वगैरह है पानी उनी के लिए, बिजली उजली गया होगा या पानी गया होगा, पानी का सप्लाई मेरे हिसाब से। और वो जो पाइप गया हुआ है मैं दिखा दूँ, ये देखिए, ठीक है। और ये देखिए एक बाइक से कितना खाल है, काफ़ी डेंजरस लग रहा है भाई, तो काफ़ी ज़्यादा जहर लग रहा है। तो चलिए मैं इसी पे थोड़ा 2-4 पीक ले लेता हूँ, और इस वीडियो तो मैं इस वीडियो कहीं पे एंड कर रहा हूँ। ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट चीज़ आप सभी को दिखाते हैं, घूमते हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और सिलाई सीखना चाहते हैं तो मेरे RS फैशन डिजाइनर बुटीक पे विजिट कर सकते हो सिलाई सीखने के लिए। तो फिलहाल जो है
इस पे इस वीडियो कैंपेन करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो घूमने आना चाहते हैं यहाँ पे तो उन लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो हर चीज़ देख पाएँ। और मेरा हर चीज़ का वीडियो है यहाँ पे, जैसे कि वाटर पार्क हो गया, जैसे कि कोटक ककोलट हो गया, ठीक है, और जो शीशा वाला ब्रिज होता है उसका भी वीडियो है, और जितना भी टूरिंग किए हुए हर चीज़ का वीडियो है, तो आप लोग घूम सकते हो, देख सकते हो। तो इस वीडियो कैंपेन करते हैं।